फोटो वीडियोस और ग्राफिक्स ये सब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे किसी का भी प्रॉपर्टी को आप उसके पूछे बिना यूज नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से आप किसी का भी फोटो वीडियो या ग्राफिक को उसके परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आप जो यूट्यूब पे बहुत सारे जो अच्छे अच्छे क्वालिटी का फोटो वीडियो देखते होंगे, वो सब जो है आदमी जो है बहुत सारी यूज है वो परचेज करते हैं, तभी वो फोटो वीडियोस को यूज कर पाते हैं। मैं भी बहुत सारा फोटो वीडियोस को मैं परचेज करता हूँ, इसके बाद ही मैं यूज करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप जो है फोटो वीडियो आप शटर स्टॉक पे आप किस तरीके से उसको अपलोड करेंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप शटर स्टॉक पे अपना अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर उधर से फोटो जो है क्लिक करके अपलोड कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटो आप क्लिक कीजिएगा वो आपको DSLR कैमरा या आपका अच्छी क्वालिटी का मोबाइल से फोटो होना चाहिए, क्लिक करके तभी वो फोटो आपका अपलोड होगा और वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी में होना चाहिए और बहुत ही शानदार फोटो आपको लगना चाहिए, तभी ये जो है फोटो आपको शटर स्टॉक पे आपका ये अपलोड हो पाएगा और वहाँ से आप पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आप शटर स्टॉक पे आप किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और मनी कैसे अर्निंग होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से शटर स्टॉक पे आप जो है फोटो वीडियो को अपलोड करेंगे और किस तरीके से आप शटर स्टॉक पे अपना अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूं, जिस लिंक पर जाने के बाद आप शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर साइट पर आ जाएंगे और इस तरह से ये पेज आप जो है पेज आपके भी डेस्कटॉप पे ओपन होंगी। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज एंड वीडियो आप लोगों को डाउनलोड करके इमेजेस करनी इस पे अपलोड करनी है और इस पे डाउनलोड करनी है। तो आप अपने जो मोबाइल है जो है तो उससे या DSLR कैमरा है तो उससे बहुत ही हाई HD क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है शटर स्टॉक में, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जाकर अपलोड करना है और वो आपका सक्सेसफुल ज़रूर होगा। इसके बाद आपको दुनिया भर में जो आपकी जो फ़ोटो है वीडियो है वो डाउनलोड की जाएगी तो वो वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे और जितनी बार भी आपको डाउनलोड होने के बाद आपको बहुत ही आसानी और सिंपल तरीक़े से आपको हर एक डाउनलोड पे वीडियो और इमेज को आपको पैसे मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, देखते हैं कि यहाँ 15 ईयर्स में यहाँ देखते हैं 1 बिलियन यहाँ पर जो है इसमें आप जो है अमेरिकन डॉलर में यहाँ देख रहे हैं पैसा पेड कर चुका है शटर स्टॉक पे। तो देख रहे हैं 15 ईयर में यहाँ पर देख रहे हैं 1 बिलियन डॉलर पैसा पेड कर चुका है शटर स्टॉक पे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अच्छी और कितनी शानदार ये जो शटर स्टॉक का साइट है। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा ये 1 बिलियन में ये कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट पैसा कर चुकी है। चलिए इस पर अकाउंट बनाने के लिए यहाँ ज्वाइन नाउ पर ओके करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हम ओके कर देते हैं। आपके सामने ये कंट्रीब्यूटर फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आप जो है फुल नेम डालिएगा, फुल नेम वही डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में हो तो वो नेम आपको यहाँ डालना है। डिस्प्ले नाम में आप कुछ भी यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो, जो भी आपका डिस्प्ले नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइपिंग कर दीजिएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा तो पहले का शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, एक स्पेशल करेक्टर और कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ पासवर्ड डाल के टर्म को करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। अब आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तो आपके जो मेल आईडी दिए हैं उस मेल आईडी पे आपका जो एक मैसेज गया होगा वहाँ पर चल जाते हैं। चलिए हम अपने मेल आईडी पर ओके हो जाते हैं। इसे मेल आईडी में यहाँ पर ओके हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शटर स्टॉक की तरफ से मेरे पास एक मेल आया हुआ है, मैं इस पर ओके कर देता हूँ। ओके करने का तब देख रहे हैं कुछ तरह इस तरह से जो मेरे जो मेल आया हो मेल यहाँ पे है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लीज हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल, हमको इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से ये आ गया नेक्स्ट का ऑप्शन। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से इसका पोर्टल ये ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है कंट्री कोड डालना है इसमें, इसके बाद आपको जो भी कंट्री कोड है यहाँ से आपको जो भी जहाँ से भी है तो वहाँ से आप इसको कंट्री कोड यहाँ से चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे आप अपना जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मेलिंग एड्रेस है, तो शटर स्टॉक की अगर आप कोई पोस्ट वगैरह सेंड करें तो वो किस पे हो एड्रेस पे, तो वो एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ से आप भर लीजिएगा, एड्रेस पूरा डालिए, सिटी और पोस्टल पिन कोड, जो पिन कोड है, स्टेट और मोबाइल नंबर जो भी आपका है यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ सिंपली आपको एड्रेस भी डाल देना है, जो भी एड्रेस है। इसके बाद सिटी स्टेट डाल देना है, पोस्टल कोड पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका एरिया का हो। यहाँ पे स्टेट कार्ड डाल देना है, टर्म को एक्सेप्ट करना है, इसके बाद कर देना है सिंपली नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप पूरे का जो है एड्रेस फिल करेंगे, इस बार यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब आपका जो है अकाउंट रेडी हो चुका है। अब यहाँ से आप अपने जो वीडियो है और यहाँ से देख रहे हैं जो अपलोड वीडियो और इमेजेस है, तो यहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरह से अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। चलिए हम अभी कोई इमेज अपलोड वगैरह नहीं करते हैं, तो चलिए हम यहाँ करते हैं योर डैशबोर्ड। ये मेरा अपने डैशबोर्ड पे हम ओके हो जाते हैं। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो हम यहाँ से जान लेते हैं कि मेरा टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो सिंपली हम यहाँ से बहुत ही आसानी से टर्म एंड कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप और हर एक पार्ट को समझेंगे डिटेल में, ताकि आपको या हमको या किसी को भी इस शटर स्टॉक से पैसे कमाने में कोई दिक्कत ना हो। जो मैं पहले बताया था कि आपका प्रोफाइल नेम में जो रखिएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए मेरा प्रोफाइल नेम में जो रखा था वो आ गया। जो आपका लीगल नेम है वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा, वो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है तो वो आपका अलग से रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे यहाँ बहुत सारा टर्म कंडीशन दे रखा है। आपका वीडियो जितनी बार डाउनलोड होगी, इमेज डाउनलोड होंगी, तो वो सारे यहाँ पर आपको जो वैसे अर्निंग कितना हो रहा है डाउनलोड होने के बाद वो यहाँ पे आपको सिंपली दिखाई देगा। और यहाँ से आपको हमेशा लाइफ टाइम अर्निंग दिखाई देगा। यहाँ मंथली अर्निंग पे क्लिक कीजिए तो यहाँ से आपका मंथली अर्निंग दिखाई देगा। और ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ बताएगा कि कितना आपको अर्निंग हो रहा है। यहाँ पर जितना डाउनलोड कीजिएगा वो आएगा, ये आपका वीडियो, ये आपका इमेज कितनी डाउनलोड हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ईयर वाइज यहाँ डेट अर्निंग दिखाएगा, कितना आपका एक साल में अर्निंग हो रहा है, तो वो आपका यहाँ पर दिखाएगा। लेवल पर आके यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको कुछ इस तरह से ये आपका लेवल बताएगा कि इमेज का लेवल किस तरीके से आगे जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि वीडियो का आपका बताएगा लेवल कि किस तरीके से वीडियो का लेवल आगे की ओर जा रहा है। इसके बाद मैं सिंपली आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ मंथली अर्निंग बता दूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईयर टू डेट आप कौन सा डेट का अर्निंग देखना चाहते हैं, या पास्ट मंथ का, या पास्ट थ्री मंथ का, या पास्ट सिक्स मंथ का, या पास्ट 12 मंथ का। तो वो टोटल यहाँ से आप करके यहाँ से ऐसे यहाँ पर आपका वो 3 मंथ का यहाँ पर दिखा रहे हैं, 3 मंथ। इस तरह से आपका पूरा अर्निंग यहाँ पर जो डाउनलोड होगा वो दिखा देगा। और क्या चीज़ देखना चाहते हैं, ऑल देखना चाहते हैं वीडियो या इमेज का, तो ये यहाँ पर ऑल दिखाएगा। अगर यहाँ से आप सिर्फ चूज करते हैं कि नहीं हमको सिर्फ इमेज देखना है, इमेज का अर्निंग देखना है, या हमको वीडियो का अर्निंग देखना है, तो सिंपली आपको ऑल पर जाकर यहाँ से चूज करना पड़ेगा। यहाँ से चलिए हम यहाँ से देखना चाहते हैं अपना ईमेल का जो है मैसेज जो हम किए हुए हैं पिक का, फोटो का, तो उसका अर्निंग 3 मंथ में कितना है। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल आसानी से आप चूज कर सकते हैं सिर्फ इमेज करके। इमेज का यहाँ पर अर्निंग बताएगा, और इमेज का अर्निंग हम चलिए यहाँ से 12 मंथ को चूज कर लेंगे, 6 मंथ चूज कर लेंगे। चलिए 12 मंथ चूज कर लेंगे तो हमको 12 मंथ का अर्निंग दिखा जाएगा। जितना डाउनलोड होगा मेरा इमेज वो यहाँ पर शो करेगा, और मेरा 12 मंथ में कितना अर्निंग हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा। इसी तरह हम वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमको वीडियो का दिखाएगा 12 मंथ का अर्निंग, और कितना पूरा दुनिया में हमको वीडियो कितना डाउनलोड हुआ वो यहाँ पर दिखाएगा, और मेरा अर्निंग कितना हुआ डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में, वो यहाँ पर शो करेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो भी मंथ या चूज करना चाहे वो यहाँ से चूज करके अपना अर्निंग को बहुत ही आसानी से देख सकते हो। या लाइफ टाइम देखने के लिए अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पूरे लाइफ टाइम का जो भी अर्निंग होगा और जितना भी आपका डाउनलोड हुआ है वो यहाँ पर दिखा देगा जिंदगी भर का, और कितना जिंदगी भर में कितना अर्निंग किए वो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से दिखलाई देगा। सबमिट करने के बाद जैसे वीडियो में सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पेंडिंग अप्रूव है, तो सबमिट करने के बाद या अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपको कितना अप्रूव हुआ है, कितना आप को रिजेक्ट हुआ, तो वो यहाँ पे आपका वीडियो इमेज यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर आपकी वीडियो इमेज को कस्टमर के जरिए कितना देखा गया है वो यहाँ पर आपका शो होगा, और आप जो इमेज का पोर्टफोलियो बनाते हैं वो यहाँ पर आपका शो होगा। तो ये तो हो गई आपका इमेज का। वीडियो के लिए आप वीडियो वाले पर क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह सेम जैसे मैं बताया हूँ इमेज में,
तो ये सेम मतलब वीडियो में है, वीडियो में भी वही टर्म एंड कंडीशन जो मैं आपको पहले इमेज में बताया था वही है सेम। तो इसी तरह इसमें भी वही दिखाता है, जहाँ सबमिट हो जाता है तो जो भी आप अपलोड करते हो वहाँ पर दिखाता है, जो सबमिट हो जाता है जो अप्रूव हो जाता है वो यहाँ पर दिखाता है, और जो भी वीडियो द्वारा दिखाया था वो यहाँ पर दिखाता है, और जो भी रिसेंटली आप वीडियो का पोर्टफोलियो बनाते हैं वो सिंपली यहाँ पर दिखलाता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो प्रोफाइल है उसमें से अकाउंट सेटिंग को ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं कि ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ईमेल आईडी जो आपका हो गया ये हो गया। इसके बाद देख रहे हैं डिस्प्ले नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप जो अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यहाँ पर ऐसे एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, और मिलिंग एड्रेस और दूसरे एड्रेस आप यहाँ से दोनों एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे इन्फॉर्मेशन को आप देख रहे हैं, यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इमेज और फुटेज का है तो यस नो है, तो इसको लाइसेंसिंग और ऑप्शन है तो इसको यस हमको रखना ही है, क्योंकि यहाँ अगर नो करेंगे तो नहीं अपलोड होगा, तो इसलिए लाइसेंसिंग ऑप्शन है जिसको हमको सिंपली यस करके रखना ही है। और यहाँ पर आप दिखा रहा है कि पेलेट और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप पेमेंट किसके नाम से लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल देंगे, इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज जिसका भी नाम से आप पेमेंट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। पेलेआउट मेथड में यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पेनियर है, पेपल है, स्किल है, मैं इस पे दोनों पे वीडियो बना रखा हूँ, तो अगर मेरी वीडियो नहीं देख रखे हैं तो दोनों को मेरी वीडियो देख सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे मैं चलिए पेपल चूज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ अपना पेपल अकाउंट यहाँ पे मेरा ऐड हो गया, तो मैं यहाँ पे पेपल अकाउंट में अपना यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी मेरा पेपल अकाउंट है तो मैं यहाँ पे पेपल अकाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ से आप देख रहे हैं कि मिनिमम पेमेंट आप कितना लेना चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ पे $100 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और यहाँ सब कुछ समय टर्म एंड कंडीशन सेव है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेव, यहाँ पर सबमिट कर दिया सेटिंग पे सेव। सेव करने के बाद यहाँ देखिए लिखा आ गया यू आर सेटिंग हैव बीन सबमिटेड, तो मेरा जो है ये पेमेंट मेथड सेव हो चुका है। इसके बाद दूसरा में हमको यहाँ पर देखिए जाइएगा इसमें ये जो प्रोफाइल में, इसमें जाने के बाद यहाँ देखिए पर्सनलाइज जो है पोर्टफोलियो, इस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखने हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल जो देख रहे हैं व्यू पोर्टफोलियो, जो भी आपका प्रोफाइल है जो पब्लिक आपका क्या प्रोफाइल देखेगा, क्या नाम रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप रहेगा, यूआरएल वगैरह जो भी आपको टाइप करना है, टैग लिंक टाइप करना है, सब्जेक्ट टाइप करना है, स्टाइल जो भी यहां से आपको चार्ज करना है वो आपको पब्लिक देखना चाहेगा, तो यो यहां से सिंपली आप जो भी चूज करना चाहे तो यहां लोकेशन वगैरह आप अपना डाल सकते हैं। यहां से आप देख रहे हैं कि आप अपना यहां से प्रोफाइल भी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, सिंपली प्रोफाइल पिक्चर ओके कीजिएगा तो आप देख रहे हैं 10 MB तक आपको ये फोटो सपोर्ट करेगा, जो भी जहाँ भी आपका फोटो हो तो यहाँ से आप सिंपली उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं चलिए एक फोटो आपको अपलोड करके दिखला देता हूँ। तो पिक अपलोड करने के लिए आप पिक वाले पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद सिंपली जो भी पिक आपको इसमें सेव करना है वो सेलेक्ट करके यहाँ ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्चिंग हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे जो फोटो अपलोड हुआ तो यहाँ पे आपका जो राइट टिक टिक यहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फोटो अपलोड होता है कि नहीं। इसके बाद अपलोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से फोटो अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये राइट का टिक लग चुका है, यहाँ पर मेरा प्रोफाइल पिक्चर जो है अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर भी जो भी सोशल मीडिया पर जाकर यहाँ कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर लोकेशन वगैरह डाल सकते हैं जो भी से हैं, यहाँ वेबसाइट वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ फेसबुक का लिंक वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ लिंक्डइन का लिंक, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का लिंक वहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ कुछ बायोग्राफी में टाइपिंग कर सकते हैं। इसका सिंपली आपको 200 करेक्टर में आपको टाइपिंग करनी, जो भी बायोग्राफी में अगर टाइपिंग करना चाहते हैं वो टाइपिंग कर सकते हैं इसमें आप। इसके बाद यहाँ पर आपको इतना सिंपली सेव चेंज पे, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो प्रोफेशन है हैज बीन सेव हो चुका है। अब आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छी तरीके से सेव हो चुका है, और यहाँ पे अब आपको सिर्फ क्या करना है, फोटो और वीडियो को यहाँ से अपलोड करना है। तो उसको अपलोड कहाँ से करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन दिख रखा है, तो यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेज और क्लिप का ऑप्शन ये दे रखा है, तो ये जो क्लिप है या ये आपका डैशबोर्ड वाले जो आपका मोबाइल पर जो ऐप है वहाँ से आपको यहाँ से डाउनलोड है, तो मोबाइल पर भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा ऐप से आपको वहाँ से आप देख सकते हैं, इस डैशबोर्ड को आप डायरेक्ट मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इमेज हो गया, वीडियो होगा, इसको अपलोड करिएगा। अपलोड होने के बाद स्टॉक की टीम जो इसको अप्रूव करके अप्रूव होने के बाद उसी जिस तरीके से आपका जो अप्रूव होने के बाद वीडियो और ऑडियो जो आपका जो अपलोड हो जाएगा उसको देखा जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आपके अर्निंग जो भी आपका अर्निंग हो यहाँ पर आपका शो होता रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अनपेड अर्निंग, तो चलिए मैं अभी स्टार्ट ही किया चैनल, तो जो चार्ट बनाया हूँ इस पर अकाउंट, तो इसलिए यहाँ पर देख रहा है। तो यहाँ पे आपको जितना मतलब अर्निंग होता रहेगा वो यहाँ पे लाइव हो, यहाँ पे आपको लाइव दिखाता रहेगा। जैसे देखिए 15 मिनट हो गया मैं अकाउंट बनाते हुए, तो इसी तरह से यहाँ पे आपका लाइव यहाँ पे चलता रहेगा कितना अर्निंग हो रहा है, तो वो यहाँ पे आपको
काउंटडाउन जो होता था वही काउंटडाउन यहाँ पर चलता रहेगा, आपको अर्निंग जो भी डाउनलोड करेगा देखेगा तो यही यहाँ पे आपका अर्निंग होता रहेगा और यहाँ पे शो करता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज और वीडियो कैसे अपलोड करेंगे। जहाँ इमेज पर है उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जाने का ऑप्शन पर यहाँ वीडियो का आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली वीडियो कीजिए तो ये वीडियो में चेंज हो जाएगा। देखिए ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आप यहाँ से वीडियो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ के आप स्टेप 3 है, यहाँ पर जाकर आप बहुत ही आसानी से वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं इसको। और हमको इमेज डाउनलोड करना है तो इमेज को अपलोड करने के लिए हमको सिंपली आना पड़ेगा इस पर, और हमको सिंपली कर देना है इस पर क्लिक। जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन आ गया है कि यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो फोटो और वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ बता रहा है कि अपलोड JPEG फाइल में होना चाहिए और 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वीडियो जो है आपको बताया जा रहा है कि वीडियो फाइल जो है यूजिंग TFTPS फाइल में होनी चाहिए। और यहाँ से हम चलिए मैं सब कुछ यहाँ समझ गया हूँ, मैं यहाँ से गोइड पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको फ़ोटो और वीडियो को अपलोड करना तो मैं आपको दो तरीका बता दूंगा, जिस तरीका दो तरीका से आप यहाँ से फ़ोटो और वीडियो को बहुत ही आसानी से आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो आपको इससे पहले कुछ और बता दो, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि अर्निंग जो भी होगा सो यही है वो यहाँ पर होगा, और यहाँ से जाकर अपना जो भी लैंग्वेज है वहाँ से वो दूसरा लैंग्वेज भी समझ सकते हैं, तो वो लैंग्वेज वहाँ से आप चूज करके अपना लैंग्वेज में डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बताऊँगा कि दो तरीके से किस तरीके से आप इसमें जो पिक जो है फोटो जो है इसमें आप कैसे इसमें अपलोड करोगे। तो सिंपली हमको जाना है बैक, जहाँ जैसे मेरा फोटो है, चलिए मेरा ये फोटो है तो मैं फोटो सेलेक्ट कर लूँगा और ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हुए लाके मैं जो भी है ब्राउजर इमेज ओपन करूँगा और यहाँ पर जो लाके मैं यहाँ उसको छोड़ दूँगा। देखिए मेरा ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया और देखिए मेरा ये अपलोड हो भी गया है। तो सिंपली पहला स्टेप तो ये हो गया, जो आप इस तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा हो गया कि यहाँ जो है सेलेक्ट मल्टी फाइल, तो आप सिंपली इस पर जाइएगा। इस पर जाने के बाद जो भी आपका फाइल जहाँ भी है वहाँ से आपको चूज कर लेना है। चलिए मैं फाइल को चूज कर ले रहा हूँ, यहाँ से सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो है अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, और इस तरीके से आपका जो भी नेट पर डिपेंड करता है कितना आपका फास्ट नेट चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर आपका जो अपलोड हो जाएगा। देखिए चलिए मेरा ये कम्प्लीट अपलोड हो चुका है और ये अपलोड हो रहा है, तो ये अपलोड होगा जैसे हो जाएगा सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ जाकर नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आता है, वो टर्म एंड कंडीशन को हम डिटेल से जानेंगे। अपलोड होने के बाद हम यहाँ कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से जो हमारा ये ओपन होकर आ जाएगा, देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से मेरा ये ओपन होकर आ गया है। अब आपको कुछ डिटेल ऐड करनी है तो चलिए सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अब जिस भी पिक का को आपका डिटेल ऐड करनी है उस पर हम सिंपली इसे राइट टिक करेंगे, और राइट टिक करने का देखिए हम यहाँ पे आ गया है। तो जिस पिक का हम जो डिटेल ऐड करना चाहेंगे उस पर हम राइट टिक कर देंगे, और जिस तीनों का हम करना है तीनों का हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और इस हिसाब से हमको हर पिक का जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों पिक जो है अब राइट टिक हो गया, तीनों का हम एक ही हो गया। अगर हमको इसे भी एक करना है तो सिंपली हम एक पर राइट टिक करेंगे, ऐसे राइट टिक करेंगे और उसका जो गाइडलाइन हो यहाँ पे हमको यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे हमको हर टिक का जो टिक लगाया है उसका हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद हमको इमेज टाइप में चूज कर लेना है इमेज, यहाँ पे यूजेस जो है उसमें कमर्शियल और एडिटोरियल, जैसे हम एडिटोरियल अगर सेलेक्ट करेंगे तो मेरा जो कोई भी कस्टमर मेरा फ़ोटो जो लेगा वो किसी को सेल नहीं कर पाएगा, किसी को भेज नहीं पाएगा। अगर जैसे हम कमर्शियल यूज करते हैं तो मेरे फोटो और वीडियो लेने के बाद वो कम हमेशा के लिए कहीं भी यूज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। और यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में कि हम मेरा ये जो पिक है किस बारे में हो, तो एटलीस्ट यहाँ पर देखिए 5 वर्ड्स में आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको बोल रहा है कैटेगरी चूज करने के लिए, कैटेगरी चूज करने के लिए आप जो भी इसमें से अच्छा जो भी आपको जो इस टाइप का वीडियो है तो यहाँ से आप हमेशा चूज कर सकते हैं कि आपका जो इसमें लगाए हैं पिक वगैरह लगाए हैं वो किस टाइप का। देखिए नेचर है, गुड है, पर्टिकल है, पोपल है, यहाँ साइंस है, सिंगल सिंबल है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारा है, देख रहे हैं कि आर्ट है, साइंस है, बैकग्राउंड टेक्सचर है, ब्यूटी फैशन है। तो इस तरह से आप जो भी है उसको इस तरह से चूज कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है ये ऑप्शनल है, इसको आप नहीं डालिए या नहीं डाले कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, तो नीचे आने के यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आएगा यहाँ पर देख रहे हैं कि कीवर्ड्स है। तो जब भी कोई कस्टमर की शटर स्टॉक की साइट पे आता है तो वो वहाँ पे कोई कीवर्ड डालता है जिसको पिक वगैरह सर्च करने के लिए, तो वो वर्ड भी आप यहाँ से चूज करके जो देख रहे हैं वो यहाँ से आप चूज करके यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो कोई भी कस्टमर जो शटर स्टॉक पर आएगा वो सर्च करेगा तो वो आपका जो पिक है उसके सामने में आना चाहिए। तो जो भी है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर चूज करिए, यहाँ पर आ गया तो देख रहे हैं 50 वर्ड में, तो इसमें से आप जो भी आपको चूज करना है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ जो भी है, तो आप भी उसी हिसाब से यहाँ से चूज कर लीजिएगा।
इसके बाद हम सिंपली कर देंगे यहाँ से सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका फर्स्ट इमेज जो है सबमिट हो चुकी है, आपको और भी इमेज वगैरह सबमिट करना है तो यहाँ से आप जाकर डैशबोर्ड पर सबमिट कर सकते हैं, या आप यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और वापस से अपना जो डैशबोर्ड है उस पर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे दो इमेज यहाँ पर डाला हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो पेंडिंग है यहाँ पर मैं अभी जो अपलोड किया हूँ, तो देखिए एक इमेज मेरा पेंडिंग है और जो भी अपलोड यहाँ पर हो जाएगा, जो भी मेरा पेंडिंग होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगी तो मेरा ये जो शटर स्टेक पोस्ट अप्रूव हो जाएगी सेल के लिए। और लाइफ टाइम हमें हर डाउनलोड पर हमें सिंपल तरीके से पैसे मिलते रहेंगे। और जैसे ही हमको जो अप्रूव जो पेंडिंग है वो हमको अगर फाइनली हमको अप्रूव हो जाती है तो यहाँ हमको सेल के लिए ओके कर दिया जाएगी और हर एक डाउन पर हमको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन के नीचे आएगा, नीचे आने के बाद बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन में वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ 17 स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है, जहाँ पे देख रहे हैं कंट्रीब्यूटर जो है आपका ब्लॉग है, कंट्रीब्यूटर मोबाइल ऐप है। तो मैं इसको इसके बाद में मोबाइल ऐप पर बताऊँगा किस तरह से ऑनलाइन होना है और किस तरह से वीडियो वगैरह को अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है, वो पूरा डिटेल में बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, टैग में क्या लिखना है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा मोबाइल पर भी। यहाँ बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ फॉर्म वगैरह दे रखा है, ये अर्निंग को यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक करके। और यहाँ देख रहे हैं कि शटर टेक लाइव, यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ बोल रहे हैं सबमिटेड गाइडलाइन, आप यहाँ से सबमिट करके गाइडलाइन भी देख सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज इतनी सारी आप लैंग्वेज देख रहे हैं, इतनी सारी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज आप समझना चाहते हैं उस पर क्लिक करके समझ सकते हैं। और यहाँ लीगल जो है कंप्लेंट्स है, जो भी अगर आपको कोई कंप्लेन वगैरह करनी है तो इस पर जाकर आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप जो मोबाइल है मैं मोबाइल पर बताऊंगा कि वहाँ यहीं से आप वीडियो और फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं और क्या बोलते हैं टैग में, डिस्क्रिप्शन में और जो भी कुछ टाइपिंग करना तो आप सिर्फ यहीं से भी नहीं कर सकते हैं, आप मोबाइल भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको मोबाइल पर भी लेकर चलता हूँ, मोबाइल पर भी बताता हूँ कि आप उस पर कैसे वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे, किस तरीके से आप पिक अपलोड करेंगे और टैग में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। तो पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मोबाइल पे ही जो है हम अपने अर्निंग को भी देख सकते हैं और वहाँ से भी जो हम अपने जो शटर स्टॉक के कंट्रीब्यूटर जो है ऐप है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम अपने जो ये साइट है वहाँ से हम अपने ट्रैक अपनी साइट पे मोबाइल पे भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम लैपटॉप पे बाइक से दिया हुआ कि हम जब भी कभी लैपटॉप नहीं खोल के बैठे तो अपने मोबाइल पर भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा अर्निंग कितना हुआ, मेरा डाउनलोड कितना हुआ, मेरा वीडियो डाउनलोड कितना हुआ, मेरा पिक डाउनलोड कितना हुआ, मेरा अर्निंग कितना हुआ, तो वो वहाँ भी आप स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको शटर स्टॉक कंट्रीब्यूशन का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में डालना है शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर और यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है साइन इन कर लेना है। पहले से लॉगिन है तो यहाँ नीचे लिख रखा है लॉगिन, इस पर जाकर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ से लॉगिन हो लेते हैं क्योंकि मैं पहले से यहाँ पे लॉगिन हूँ। तो यहाँ पर अपना डालेंगे यूजर नेम या ईमेल आईडी, यहाँ पासवर्ड और डालने के बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आप जो है यहाँ शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर पे आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट आ चुका है। अब आप जितने भी अर्निंग करेंगे आपको यहाँ साइड में शो होगा, जितने भी वीडियो डालेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ स्टार्ट हेयर पे क्लिक करके आप इसे कैमरा से जो फोटो क्लिक करके आप इसे अपलोड कर सकते हैं, या पहले से क्लिक करके रखे हुए अपना DSLR कैमरा से या आप मोबाइल से HD क्वालिटी में वो आप यहाँ गैलरी पे क्लिक करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अलाव वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जहाँ भी आप रख रखे हैं फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे अपलोड इस तरीके से देखिए आ चुका है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मस्ट आपका 4+ MP में आपका होना चाहिए, ठीक है अपलोडिंग। तो इस तरीके से आपको अपलोड कर लेना है, यहाँ अपलोड वाले तरीके से आपका जो है फोटो अब अपना फोटो इसमें आपको अपलोड करना है। सो गाइस, आज के वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से शटर स्टॉक पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और किस तरीके से आप उस पर अपना फोटो वीडियो अपलोड करके किस तरीके से आप उससे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।